हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल रजनी वी फैशन। आज की इस वीडियो में हम डबल अम्ब्रेला कुर्ती की कटिंग करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पे मेन फैब्रिक को रख लिया था 4 प्रत में, और उसके ऊपर लाइनिंग को रख लिया है 4 प्रत में। दोनों साइडों की एक साथ में हम कटिंग करेंगे, बैक एंड फ्रंट। तो उसके लिए हमने 4 प्रत में दोनों कपड़ों को रख लिया है। ये देखिए 4 प्रत में हमारा नीचे वाला कपड़ा रखा हुआ है और 4th में लाइनिंग वाला। अब ऊपर की साइड से एक लाइन खींचेंगे यहाँ से। ये हमने खींची कपड़े को सीधा करने के लिए। अब इसके नीचे हम 1 इंच पर निशान लगाएंगे। अगर आपका नॉर्मल साइज है तो 1/2 इंच पर लगा लीजिए, हमारा हैवी साइज है तो उसके लिए हम 1 इंच पर लगा लेंगे। ये हम इसलिए लगा रहे हैं, बैक साइड को हम 1 इंच एक्स्ट्रा रखते हैं। तो ये हमने 1 इंच पर निशान लगा लिया है। अब जो हमने नीचे वाली लाइन लगाई है, इसके ऊपर हम लगाएंगे नेक का निशान। तो नेक की चौड़ाई मैं यहाँ पर थोड़ी ज़्यादा लूँगी, मैं लूँगी यहाँ पर 3.5 इंच, और अगर आपका नॉर्मल साइज है तो आप 3 इंच ले लीजिए। तो यहाँ पे हमने नेक का निशान लगा लिया 3.5 इंच पे। उसके बाद हमने तीरा का निशान लगाया, फुल तीरा इसका है 6.5 इंच। 6.5 इंच पे ही नॉर्मल सभी साइज के लिए तीरा होता है। तो 6.5 इंच पे इस तरीके से तीरा का निशान लगाएंगे। उसके बाद लगाएंगे आरमोल का निशान। तो आरमोल मैं यहाँ पे रखूँगी 7.5 इंच। हैवी साइज में 7.5 लेते हैं, और नॉर्मल साइज है आपका तो 7 इंच ले लीजिए। तो यहाँ पे हमने 7.5 इंच पे तीरा का निशान लगा के यहाँ से इस लाइन को सीधा कर लिया है। अब लगाएंगे हम फिटिंग का निशान। जितना भी आपका फिटिंग का साइज है उसका 4th भाग लेके उसका निशान लगा लीजिए। हमारा 4th भाग है यहाँ पे 12.5 इंच, और 2 इंच या 1.5 इंच हम मार्जिन ले लेंगे। तो मैंने यहाँ पे 1.5 इंच मार्जिन ले लिया है। अब लगाएंगे हम चोली की लंबाई का निशान। अगर आपका नॉर्मल साइज है तो चोली की लंबाई आप 15 इंच ले लीजिए, हैवी साइज है तो 16 इंच ले लीजिए। तो ये देखिए मैंने 16 इंच पर निशान लगा लिया है। अगर आपका नॉर्मल साइज है, आपका साइज कम है, तो 15 इंच पर निशान लगा के इस लाइन को सीधा कर लीजिए। अब लगा लेंगे नीचे की साइड से हम फिटिंग का निशान। तो फिटिंग का हम निशान जो लगाएंगे उसमें 1 इंच हम एक्स्ट्रा रखेंगे डार्ट डालने के लिए। 10.5 में हमारी फिटिंग थी और मैंने 11.5 इंच पर निशान लगा लिया है। तो 1 इंच तो हमने पहले एक्स्ट्रा ले लिया था, और अब 1.5 इंच हम मार्जिन ले लेंगे। 1 इंच हमें डार्ट के लिए एक्स्ट्रा लेना होता है। और अब यहाँ से इस लाइन को मिला लेंगे। इस लाइन को मिलाने के बाद अब हम डाल लेंगे आरमोल की सेप। तो आरमोल की हमने सेप डाल ली है, और बैक आरमोल की सेप तो हमने नॉर्मली जैसे डालते हैं वैसे डाल ली है। फ्रंट साइड में हमने 1/2 इंच अंदर की साइड बढ़ा के और इस तरीके से तिरछा मिलाते हुए, ये देखिए इस तरीके से, और अब यहाँ से सेप डाल देंगे हल्की सी। तो यहाँ से सेप डाल ली, ये होगी हमारी फ्रंट साइड की सेप, और ये हमने नॉर्मल डाल रखी है बैक साइड के लिए। अब लगा लेंगे नेक की लंबाई का निशान। तो नेक की लंबाई मैं यहाँ पर रखूँगी 7.5 इंच। आपका नॉर्मल साइज है तो आप 7 इंच ले लीजिए। और यहाँ से अब चौड़ाई ले लेंगे, चौड़ाई हम वही सेम रखेंगे 3.5 इंच। तो 3.5 इंच पे हम नेक की चौड़ाई ले लेंगे और इस लाइन को ऊपर तक सीधा कर लेंगे। अब इसमें हम सेप डालेंगे, वो डालेंगे हम 1.5 इंच पे। नीचे की साइड से यहाँ पे 1.5 इंच पे निशान लगाएंगे और इसको तिरछा मिला लेंगे नीचे से। तो ये देखिए इस तरीके से मिला लेना है। ये वाला नेक डिज़ाइन आजकल काफ़ी ट्रेंड में चला हुआ है और बहुत ही सुंदर लगता है देखने में। तो चलिए हम डिज़ाइन बाद में बनाएंगे, पहले हम डार्ट डालने के लिए निशान लगा लेते हैं। तो डार्ट के लिए हम निशान लगाएंगे 4 इंच पे हैवी साइज में, और नॉर्मल साइज में आपको लगाना है 3.5 इंच पे। लंबाई डार्ट की हम रखेंगे 4 इंच। लंबाई सभी साइज में सेम ले लेंगे। तो ये देखिए 4 इंच पे लंबाई ले लेंगे। दोनों साइडों में 1/2 इंच का मार्जिन रखेंगे डार्ट के लिए। तो ये देखिए 1/2 इंच पे यहाँ निशान लगाया, और 1/2 इंच पे यहाँ 1 इंच जो हमने एक्स्ट्रा लिया था ना, इसके लिए लिया था वो। अब यहाँ से मिला लेंगे इस तरीके से, और डार्ट डालेंगे हम बैक एंड फ्रंट दोनों साइडों में। तो दोनों साइडों में निशान लगा लेंगे डार्ट के लिए, और अब फिटिंग वाले निशान को भी मिला लेंगे। तो ये देखिए इस लाइन को भी मिला लेंगे। अब हमें क्या करना है, अम्ब्रेला कुर्ती में हम एक यहाँ पर निशान लगाते हैं 1 इंच ऊपर। अगर आप नॉर्मल कोई भी कुर्ती बना रहे हो, जैसे कि नायरा कट बना रहे हो, तो उसमें ये निशान लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर अम्ब्रेला कट बना रहे हो तो ये 1 इंच पे निशान लगा के और डार्ट तक यहाँ तक इस तरीके से मिला लेना है। ये निशान ज़रूर लगाना है, इससे क्या होता है अम्ब्रेला जो हमारा होता है रेप में कटिंग होती है उसकी, तो इस तरीके से ये कटिंग ज़रूर करनी है अम्ब्रेला में 1 इंच ऊपर निशान लगा के। अब ऊपर से आरमोल को यहाँ से डाउन कर देंगे 1/2 इंच। तो फ्रंट साइड को हमने 1/2 इंच डाउन किया है, और बैक साइड को हम जितना हमने एक्स्ट्रा ले रखा है उतना डाउन कर लेंगे। तो ये देखिए यहाँ से निशान लगाएंगे, और जो हमारी फ्रंट वाली लाइन है वहाँ तक मिला के इस तरीके से डाउन कर लेंगे। अब कर लेंगे इसकी कटिंग। तो चलिए कटिंग कर लेते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर लीजिए, जिससे कि मेरे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी।
तो इस तरीके से कटिंग करने के बाद अब हम नेक की तरफ एक छोटा सा कट लगा लेंगे यहाँ पे सेंटर के लिए। और अब हमें क्या करना है, बैक साइड को इसमें से निकाल लेना है। फ्रंट साइड की हम बाद में कटिंग करेंगे आर्मोल और तीरा की, तो पहले हम बैक साइड को निकाल देते हैं। और बैक साइड में भी हमें प्लेट डालनी है, तो उसके लिए यहाँ पे निशान लगा लेंगे। जो हम डार्ट डालेंगे ना, तो जैसे हमने फ्रंट साइड में निशान लगाया, सेम वही निशान बैक साइड में भी लगा लेंगे। और अब बैक साइड को यहाँ से हटा लेंगे, मेन फैब्रिक में से भी बैक साइड को निकाल देंगे। और फिर ये दोनों कपड़े जो बचे हुए, इनको दोबारा से सेट करके रखेंगे। ये हमारी फ्रंट साइड के लिए है। फ्रंट साइड में से ऊपर से जो हमने तीरा का एक्स्ट्रा निशान लगाया था ना बैक साइड के लिए, उसे कट कर देंगे। तो ये देखिए, ये हमने तीरा वाला कपड़ा कट कर दिया। अब यहाँ से आर्मोल को भी कट कर लेंगे और अब नेक की कटिंग कर लेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा फ्रंट नेक। और फ्रंट नेक को हम बुकरम के ऊपर बनाएंगे, तो उसके लिए हम बुकरम ले लेंगे यहाँ पर। और जो ये बीच में से कपड़ा निकला है, इसको बुकरम के ऊपर रख के नेक की कटिंग कर लेंगे। बुकरम को हमने डबल करके रखा हुआ है और इस कपड़े को इसके ऊपर रख के मार्किंग करके कटिंग कर लेंगे। नेक को हमेशा बुकरम पर बनाना चाहिए। अगर बुकरम पर आप नेक बनाओगे तो फिनिशिंग और ज़्यादा अच्छी आएगी, अगर सिंपल बनाओगे तो इतनी अच्छी फिनिशिंग नहीं आएगी और लूज रहेगा नेक। इस बुकरम वाले नेक को हम कपड़े पर पेस्ट कर लेंगे और उसके बाद अपनी कुर्ती में अटैच कर लेंगे। तो इसकी कटिंग करने के बाद हम करेंगे बैक नेक की कटिंग। उसके लिए हम बैक साइड को रखेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर हमने बैक साइड को रख लिया है और चौड़ाई हम वही सेम लेंगे जितनी हमने फ्रंट साइड में ले रखी है, 3.5 इंच। इसमें मैं आपको डीप और शॉर्ट नेक दोनों बताऊँगी किस तरीके से कटिंग करनी है। तो पहले हम शॉर्ट नेक के लिए निशान लगाएंगे। 3.5 इंच पे हमने लगा लिया चौड़ाई का निशान और 4.5 इंच पे ले लेंगे लंबाई। अगर आपने फ्रंट साइड में चौड़ाई 3 इंच ली है तो 3 इंच पे ही निशान लगाना है। बैक साइड में भी बिल्कुल बराबर रखना है और यहाँ से इस तरीके से शेप डाल लेनी है। तो ये हो गया हमारा शॉर्ट नेक, ये बिल्कुल सिंपल है। अब आपको मैं बताती हूँ डीप नेक। डीप नेक में आपको थोड़ा सा चेंज करना है, उसी से आपका नेक बहुत ही सुंदर बनता है, एकदम डीप बनता है। जितनी भी आपको लंबाई लेनी है उतनी लंबाई का निशान लगा के इस लाइन को सीधा कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर शेप डालनी है, तो शेप ही सबसे इम्पोर्टेंट है इसमें। तो पहले तो यहाँ से इस तरीके से शेप डालनी है। तो ये देखिए, इस तरीके से शेप डालने के बाद अब नीचे की साइड से बाहर की तरफ निकालते हुए शेप डालेंगे। इस तरीके से शेप डालने से राउंड नेक बहुत ही अच्छा बनता है, एकदम डीप और देखने में बहुत सुंदर लगता है। अभी ये जो शेप दिख रही है ना आपको, ये शेप ऐसे कटिंग में दिख रही है, और जब आप नेक को पहनोगे ना, बिल्कुल ये बहुत ही सुंदर और एकदम राउंड नेक लगेगा। ये शेप बिल्कुल छिप जाएगी। और यहाँ पर डोरी पाइपिंग लगा लेंगे तो इस तरीके से डीप नेक बन जाएगा। मैं बनाऊँगी यहाँ पर शॉर्ट नेक, तो मैंने शॉर्ट की कटिंग कर ली है। तो चलिए अब शॉर्ट नेक को हम सिंपल तरीके से रेडी कर लेते हैं। और मैंने डार्ट के लिए दोनों साइडों में निशान लगा के डार्ट को भी डाल लिया है और बिल्कुल सिंपल तरीके से बैक नेक को रेडी कर लिया है। दोनों साइडों में फिटिंग की सिलाई का निशान लगा लिया है और ऐसे ही हमने फ्रंट साइड को रेडी कर लिया है। ये देखिए, फ्रंट नेक को हमने बुकरम के साथ बनाया है और डार्ट डाल ली है दोनों साइडों में इस तरीके से। तो ये देखिए, अभी तक तो हमारा नेक बिल्कुल सिंपल बना हुआ है। अब इसमें हम डिज़ाइन बनाएंगे, तो उसके लिए हम कपड़े को फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद सीधी साइड से नेक की मार्किंग करेंगे और नेक हम बहुत ही सुंदर से बनाएंगे, जो कि आजकल काफ़ी ट्रेंड में चला हुआ है। तो उसके लिए हम मार्किंग करेंगे सीधी साइड से। यहाँ पर जो ये लाइन है आपकी, बिल्कुल यहाँ पर मार्किंग कर लेनी है। ठीक है, हमारे नेक की चौड़ाई पहले ही ज़्यादा ली है हमने, तो यहाँ पर मार्किंग कर लेंगे। अगर आपकी चौड़ाई 3 इंच है तो 3 इंच पर वहीं पर बिल्कुल मिला के निशान लगा लेना है। और नीचे की साइड से 2 इंच पर निशान लगा लेंगे। तो ये देखिए, इस तरीके से 2 इंच पे निशान लगा लिया है। अब मैं आपको बताती हूँ, अगर आपका हैवी साइज है तो आपको यहाँ पे 6 इंच ले लेना है। अगर आपका मीडियम साइज है या नॉर्मल साइज है तो आप 5 इंच ले लीजिए, 6 इंच नहीं लेना है आपको। हैवी साइज है तभी 6 इंच लेना है। और यहाँ से इस लाइन को मिला लेंगे। मिलाने के बाद यहाँ से इस तरीके से शेप डालेंगे, राउंड शेप। तो ये देखिए, इस तरीके से ये हमने शेप डाल ली है। अब इसको ओपन करके रखेंगे और फिर दूसरी साइड में भी सेम यही मार्क हम ले लेंगे। तो पहले इसको हम ओपन करेंगे और दोबारा से उल्टी साइड से फोल्ड करेंगे और मिला के रखेंगे। और जो हमारी ये मार्किंग है, इसको हमने दूसरी साइड में भी ये ले लिया है। ये देखिए, इसको थोड़ा डार्क कर लेंगे और नीचे की साइड हम एक शेप और डाल देंगे। यहाँ से जहाँ पर हमारी डार्ट है ना, डार्ट से और दूसरी डार्ट तक इस तरीके से हल्की सी शेप अलग से डाल लेनी है नीचे की साइड। आप चाहो तो ये पहले ही डाल सकते हो, और बाद में डालना चाहते हो तो बाद में डाल सकते हो। तो अब इस पर हम लगाएंगे लेस। तो लेस मैंने यहाँ पे सिंपल लिया कॉटन वाली, आप कोई भी लेस ले सकते हो, जो आपकी मर्जी हो लगा सकते हो। तो पहले हम इस साइड पे नेक पे लेस को अटैच कर लेंगे। तो ये देखिए, यहाँ पे रखेंगे थोड़ा सा आगे बढ़ा के और बिल्कुल किनारे से लेते हुए सिलाई लगा लेंगे। बिल्कुल सिंपल नेक जाने, बिगनर्स भी आराम से आसानी से बना सकते हैं और देखने में काफ़ी खूबसूरत लगता है और ट्रेंड में भी बहुत ज़्यादा चला हुआ है ये वाला डिज़ाइन।
तो देखिए इस तरीके से यहाँ से हल्का सा कोना बना के और फिर दूसरी साइड पे भी इसको अटैच कर लेंगे और एक्स्ट्रा लेस को यहाँ से कट कर लेंगे। तो ये देखिए इतनी आगे बढ़ा के हमें लेस को रखना है। अब यहीं से घुमा के एक सिलाई और लगा लेंगे इसके ऊपर। अगर आपकी लेस और ज़्यादा चौड़ी है तो उस हिसाब से सिलाई लगा लीजिए और कोने को अच्छे से सेट करना है यहाँ से। तो ये देखिए यहाँ से हमने कोने को सेट कर लिया है और दोबारा से सिलाई को वापस ले जाएंगे यहाँ तक। ये लेस हमने बीच में अटैच कर ली है। अब हम साइड से लेस अटैच करना शुरू करेंगे नेक के ऊपर। अब हम करेंगे यहाँ से लेस लगाना। तो सेम इसी तरीके से यहाँ पे लेस को रख लेना है और जो हमने मार्किंग कर रखी है उसके ऊपर ले जाना है। तो ये देखिए बिल्कुल मार्किंग के ऊपर लेस को रखते हुए ये अटैच कर लेंगे हम। जैसे शेप में हमने मार्किंग की हुई है सेम वैसी शेप में हमें ये लेस रखते जाना है और सिलाई लगाते जाना है। शेप का आपको ध्यान रखना है, अगर आपकी शेप थोड़ी बहुत इधर उधर हुई तो शेप अच्छी नहीं लगेगी। बिल्कुल शेप में ही लेस को रखना है, राउंड शेप में इस तरीके से। अगर आपने वीडियो को अभी तक भी लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर लीजिए, जिससे कि मेरी आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। तो ये देखिए पूरी मार्किंग के ऊपर हमने लेस को रख के अटैच कर लिया है और फिर ऊपर की साइड से यहाँ से इस तरीके से लगा लेंगे। तो अभी हमने एक सिलाई लगाई है, अब इसके ऊपर एक सिलाई और लगा लेंगे जिससे कि हमारी लेस बाद में उठी उठी सी नहीं रहे, बिल्कुल सेट हो जाए। तो यहाँ से दूसरी सिलाई भी हम लगा लेंगे। बिल्कुल सिंपल नेक डिजाइन है, मैं फिर से बताऊंगी आपको। बिगनर्स बिल्कुल आसानी से बना सकते हैं, कोई कटिंग अलग से नहीं करनी, बस लेस के साथ ये डिज़ाइन बनाना है। और देखिए कितना सुंदर सा डिज़ाइन बनके हमारा रेडी हो गया है। तो ये देखिए इस तरीके से नेक हमारा रेडी हो गया है बिल्कुल फिनिशिंग के साथ, बहुत ही सुंदर सा। अगर आपको चौड़ी लेस लगानी है यहाँ पर चौड़ी लेस लगा सकते हो, आपकी मर्जी है, जैसा आप लेस लगाना चाहते हो लगा सकते हो यहाँ पर। अब इसके ऊपर बैक साइड को रखेंगे और तीरा की सिलाई को लगा लेंगे। तो चलिए बैक साइड को इसके ऊपर रख लेते हैं और तीरा को जॉइंट कर लेंगे। चोली हमारी रेडी हो जाएगी। अब हमें करनी है अम्ब्रेला की कटिंग, उसके लिए हमें फोर परत में कपड़े को बिछा के रखना है, ये देखिए। और यहाँ से हमारी बंद वाली साइड है, ये फोर परत में हमने कपड़े को रखा हुआ है। पहले मैं आपको कपड़े की विड्थ दिखा देती हूँ, मेरी जो कपड़े की विड्थ है वो थोड़ी ज़्यादा है। वैसे आप अगर अम्ब्रेला कुर्ती बना रहे हो तो उसमें कपड़े की विड्थ ज़्यादा ही लेना। तो ये देखिए मेरे कपड़े की विड्थ है यहाँ पर 52 इंच, ये देखिए। अम्ब्रेला कुर्ती के लिए आप ज़्यादा विड्थ में ही कपड़ा लेना, उससे आपको लंबाई वगैरह में दिक्कत नहीं रहेगी, फुल लॉन्ग कुर्ती बन जाएगी इस तरीके से। 52 इंच हमारी इस तरीके से थी विड्थ में और 52 इंच में हमने लंबाई लेके और फोर फोल्ड में कपड़े को रख लिया है। ये देखिए बंद वाली साइड हमारी यहाँ से है और बंद वाली साइड पे से ही हम निशान लगाना शुरू करेंगे। तो पहले हमें क्या करना है, जो हमारी कुर्ती है उसको नाप लेंगे, मतलब जो हमारी चोली को नापेंगे, चोली का हाफ ले लेंगे। तो हमारी जो चोली का हाफ साइज है वो है यहाँ पर 12.5 इंच, हमें आधे इंच और ऐड करना है और 13 इंच पर हम निशान लगाएंगे यहाँ पर। तो ये देखिए पहले इस तरीके से इंच टेप को रखेंगे और जहाँ पे भी आपका 13 इंच आए वहाँ पे निशान लगा लेना है। तो यहाँ पे हमारा 13 इंच है, यहाँ पे निशान लगा लिया है। और दूसरी साइड में लगाना चाहते हो तो दूसरी में भी लगा लीजिए। फिर आपको क्या करना है, जहाँ पे आपका 13 इंच पे निशान लगाया आपने वहाँ पर देख लेना कितना आया है और उसी शेप में आपको इस तरीके से घुमाते हुए इंच टेप को निशान लगा लेना है बिल्कुल उसी के ऊपर। तो ये देखिए हमारा ये 10 इंच पर आ रहा था तो हमने 10 इंच पर ही ले कर निशान लगा दिया है, ठीक है। इस तरीके से सर्कल में हमने निशान लगा लिया है और दोबारा से इसको एक बार नाप लेंगे कि हमारा फिक्स 13 इंच हुआ है या नहीं। तो ये देखिए बिल्कुल फिक्स हमारा 13 इंच हो गया है। अब इसको यहाँ से सीधा कर लेंगे लाइन को। तो इस तरीके से निशान लगा लेना है ऊपर से। अब लगाना है लंबाई का निशान। तो लंबाई का निशान हम लगाएंगे 15 इंच टेप को ऊपर की तरफ निकालेंगे। 16 इंच की हमारी चोली ली थी हमने तो 15 इंच ऊपर की तरफ निकालेंगे क्योंकि 1 इंच हमारा मार्जिन में चला जाएगा। आप जितनी भी आपको लंबाई लेनी है उसका निशान लगा लीजिए। तो मैं यहाँ पर ले रही हूँ 56 इंच 56 इंच पे यहाँ पे हमने निशान लगा लिया है। अब हमें क्या करना है, दोबारा से इस इंच टिप को ऊपर से रखेंगे। तो ये देखिए यहाँ से रखेंगे बिल्कुल मिला के और जहाँ पे भी हमारा वो निशान आया है उसको देख लेंगे कितने पर आया है और फिर बिल्कुल इसके बराबर हम पूरे घेरे पर निशान लगा लेंगे। तो ये देखिए इस तरीके से जितना भी आपका निशान आया है उसी के ऊपर निशान लगाना है। इस तरीके से इंच टेप को आगे बढ़ाते जाएंगे और निशान लगाते जाएंगे पूरे घेरे के ऊपर। ऐसे ही हम निशान लगा लेंगे सर्कल शेप में। तो यहाँ पे हमने निशान लगा लिए हैं और ये देखिए एक बार और छोटे छोटे डॉट और बीच बीच में हम लगा लेंगे। तो चलिए यहाँ पे छोटे छोटे डॉट लगा के मैं फिर इसकी कटिंग कर लेती हूँ। पूरे सर्कल की कटिंग करने के बाद अब ऊपर वाली साइड को भी कट कर लेंगे
तो चलिए ऊपर से भी कट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा फुल सर्कल कट के हो गया है रेडी, और ये डबल लेयर में है, फुल फ्लेयर कुर्ती बनके रेडी होगी। तो चलिए एक बार मैं आपको फुल सर्कल दिखा देती हूँ। पहले ये देखिए फुल घेर है, अभी ये फोर परत में रखा हुआ है, डबल सर्कल है हमारी ये। और अब चोली में इसे अटैच करेंगे, तो उसके लिए हमने चोली को यहाँ पर रख लिया है। और हमें क्या करना है, जो हमारा सर्कल है ये उरीप में कटा हुआ है, तो चोली को ऊपर रखेंगे और सर्कल वाले कपड़े को नीचे रखेंगे। और यहाँ से इस कपड़े को बिल्कुल लूज छोड़ के रखना है, जो हमारा नीचे वाला कपड़ा है ना घेरे वाला, इसको बिल्कुल लूज रखना है और चोली को खींच के रखना है। इस तरीके से सिलाई लगा लेनी है पूरे घेरे पे। तो चलिए सिलाई लगा लेते हैं इसकी। तो यहाँ पर नीचे रखेंगे हम सर्कल वाले कपड़े को, ऊपर से रखेंगे चोली को, और सिलाई बिल्कुल ऐसे लगानी है, नीचे वाले कपड़े को बिल्कुल लूज छोड़ के रखना है और ऊपर वाले को टाइट खींच के, ये देखिए इस तरीके से। क्योंकि ये उरीप में कटा हुआ है तो ये थोड़ा पड़ जाएगा, तो इसलिए इसको लूज छोड़ के रखना है और ऊपर वाले को हम खींच के रखेंगे ताकि ये दोनों कपड़े बिल्कुल बराबर आ जाएं। तो ये देखिए इस तरीके से पूरी सिलाई को हम लगा के कपड़ों को बराबर करके इस सिलाई को कंप्लीट कर लेंगे। तो ये देखिए इस तरीके से हमारे दोनों कपड़े बराबर हो गए हैं और सिलाई हमारी कंप्लीट हो गई है। इस तरीके से बैक साइड में भी हम सिलाई को लगा लेंगे। और सर्कल वाली कुर्ती में, लहंगा में, सर्कल में, सभी में एक प्रॉब्लम आती है, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके लिए आपको क्या करना है, इस तरीके से जॉइंट करने के बाद फिर इसको फोल्ड कर लेना, या तो आप पूरी कुर्ती को सिल के फिर फोल्ड कर लीजिए, या एक एक पर्त को फोल्ड कर लीजिए। तो चलिए अब इसको मैं एक बार फोल्ड कर लेती हूँ। आप चाहो तो साइड से फिटिंग की सिलाई लगाने के बाद दोनों साइडों को एक साथ रख के फिर फोल्ड कर लीजिए, और नीचे जो आप घेरा है उस पर आप इंटरलॉक पीको जो भी फोल्डिंग वगैरह करते हो वो बाद में करनी है। तो यहाँ से इस तरीके से बिल्कुल सिलाई से मिला के रखेंगे, जो हमने चोली की सिलाई लगाई उसको मिला के रखेंगे, और यहाँ पे अब लंबाई का निशान लगा लेंगे। तो यहाँ से तो हमारी लंबाई बिल्कुल बराबर आएगी जितनी हमने लंबाई ली थी। जैसे हम इंच टेप को आगे की तरफ बढ़ाते जाएंगे तो हमारी लंबाई ज़्यादा होती चली जाएगी, ये देखिए इस तरीके से। तो ये चीज़ आपको ज़रूर करनी है नीचे से फोल्ड करने के पहले, या फिर आप पीको कर रहे हो तो पीको करने से पहले इस तरीके से लंबाई एक बार चेक कर लेनी है, उसके बाद पीको करनी है। अब यहाँ से इस कपड़े को हम कट कर लेंगे। तो इससे बिल्कुल हमारा घेरा एकदम अच्छे से शेप में आएगा, बिल्कुल बराबर, ऊपर नीचे ऊंचा नीचा नहीं रहेगा। तो यहाँ से हमें कटिंग कर ली है। और ये प्रॉब्लम क्यों आती है, जैसे हम कुर्ती को कट करते हैं ना अम्ब्रेला में, तो क्या होता है उरेप में कटिंग होती है। तो उरेप में जब कटिंग होती है तो ये वैसे हम बिल्कुल बराबर कट करते हैं, और जब उरेप में कटिंग होती है तो ये वाली साइड होती है ना, ये ऐसे खिंच जाती है, ऐसे अपने आप बढ़ जाती है, तो ये लंबाई इसलिए ज़्यादा हो जाती है। तो ये चीज़ आपको ध्यान जरूर रखनी है अम्ब्रेला कुर्ती में, कुर्ती को सिलने के बाद और नीचे से इस तरीके से नाप के फिर बराबर कर लेना है। और ये देखिए बिल्कुल एक सार हमारा घेर हो गया है रेडी। इस तरीके से फ्रंट साइड को भी रेडी कर लेंगे, और अब डाल लेंगे फिटिंग की सिलाई। तो फिटिंग का निशान हमने पहले ही लगाया हुआ है, इसी के ऊपर सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगाते टाइम आपको ये चीज़ याद रखनी है, यहाँ पे जो हमारी ये बीच में चोली की सिलाई है, इन दोनों को बिल्कुल मिला के रखना है, दोनों साइडों की सिलाइयों को बिल्कुल मिला के तब फिटिंग की सिलाई डालनी है। तो चलिए यहाँ से फिटिंग की सिलाई को डाल लेते हैं। जहाँ पे हमने फिटिंग का निशान लगाया हुआ है वहाँ पर तो हम सिलाई को उसके ऊपर ले जाएंगे, और उसके बाद जब नीचे से घेरे पे सिलाई लगाएंगे तो इस तरीके से हल्की सी शेप देते हुए और बिल्कुल यहाँ से एक इंच का मार्जिन रखते हुए पूरे घेरे पे सिलाई लगा लेंगे। एक साइड की सिलाई को हमने कंप्लीट कर लिया है, इसी तरीके से हम दूसरे साइड की फिटिंग वाली सिलाई लगा के और नीचे घेरे तक सिलाई को लगा लेंगे। तो चलिए दूसरे वाले साइड में भी हमने फिटिंग का निशान लगा के रखा हुआ है, उसी के ऊपर सिलाई को लगा लेते हैं। और यहाँ पे भी इस चीज़ का ध्यान रखना है, जो ये वाली सिलाई है इनको दोनों को बिल्कुल मिला के रखना है, फिर फिटिंग वाली सिलाई लगानी है। तो यहाँ पे हमारी फुल कुर्ती कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद हम इसमें बाजू अटैच कर लेंगे। बाजू में मैंने थोड़ी सी डिज़ाइन बनाई है बिल्कुल सिंपल सी, लेस के साथ चार लेस इस तरीके से अटैच कर ली है। और यहाँ पे हमारी फुल कुर्ती हो गई है रेडी। अब मैं इसको आपको पहन के दिखाऊंगी। तो ये बहुत बड़े साइज़ में है ये कुर्ती, तो मैं अपने साइज़ में करके इसे फिर आपको पहन के दिखाऊँगी। ये चीज़ मैंने इसलिए बताई है, आप फिर बाद में ये बोल दें कि आप तो बोल रहे थे हैवी साइज़ में कुर्ती बनाइए, फिर ये आपने पहनी है तो आपको कैसे आई है। तो इसलिए मैं सिलाई लगा के तब पहन के दिखाऊंगी आपको। और अभी हमारी कुर्ती पर नीचे से पीको नहीं हुई है, पीको होने के बाद फ्रिल और अच्छी लगेगी, घेरा और अच्छा लगेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।